भारत प्रशासित कश्मीर में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की स्थिति इंतहाई खराब होती जा रही है और जब से गुलाम नबी आज़ाद ने ऑल इंडिया कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया है तकरीबन 100 के निकट दिग्गज नेता और कार्यकर्ताओं ने पार्टी को खैरबाद कहा है। आज भी कई नेताओं ने अपना त्याग पत्र देकर पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा, हमें तजर्बाकार लोग भी चाहिए, हमें महिलाएं भी चाहिए, सबका साथ चाहिए, वो हमने पहले ही बोला है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि किसी नौजवान के मसले को लेके ऐसा किया गया। जहां तक जो आप इशारा कर रहे हैं बकार सूद साहब का, उसको बनाने में हमारा अहम रोल है, वो तो मसला ही नहीं है। इस बीच जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाओं का क्रम जारी है जिसमें 5 अलगाववादी छापामारों के हताहत होने की सूचना है। दक्षिणी कश्मीर में अलगाववादी छापामारों और सुरक्षा बलों के बीच एक मुठभेड़ में 3 अलगाववादी छापामार हताहत हुए हैं जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया गया, जबकि उत्तरी कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और अलगाववादियों के बीच एक मुठभेड़ में जैश मोहम्मद से वाबस्त 2 अलगाववादियों के हताहत होने की सूचना है। सुरक्षा बलों के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने एक विशेष सूचना मिलने के तुरंत बाद इन दोनों क्षेत्रों का घेराव किया और तलाशी अभियान के दौरान एक मुठभेड़ आरंभ हुई जो काफी समय तक जारी रही। इस मुठभेड़ में अलग अलग घटनाओं में 5 अलगाववादी छापामार हताहत हुए जिनके नियंत्रण से भारी मात्रा में असला और गोला बारूद बरामद किया गया, परंतु इन मुठभेड़ों में सुरक्षाकर्मियों का कोई नुकसान हुआ या नहीं इस बारे में पुलिस प्रवक्ता ने कुछ नहीं बताया। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि आए दिवस सुरक्षा एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि अलगाववाद और आतंकवाद का समाप्त हुआ है, परंतु हिंसक घटनाओं में जो बढ़ोतरी हुई है उससे ऐसा लग रहा है कि स्थिति अब भी तनावपूर्ण और गंभीर बनी हुई है।